ASN24 पल पल की खबर। पति के सुदृढ़ जीवन की कामना को लेकर ग्राम पंचायत रजगामार के ओमपुर बाजार के पास सुहागिन महिलाएं शुक्रवार को निर्जला व्रत रखकर वटवृक्ष की पूजा अर्चना की। इस दौरान हल्दी लगे कच्चे धागे से वटवृक्ष का फेरा लगाया। फेरे पूरे होने के बाद आरती पूजा किया गया। साथ ही फल फूल और सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी गई। सुहागिने वटवृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु के साथ घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक वट सावित्री व्रत और पूजन से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति सहित संतान सुख की भी कामना पूरी होती है। सुहागन महिलाएं पारंपरिक तौर पर वट व पीपल वृक्ष का 108 फेरा लगाती हैं और कथा सुनती हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण इस पूजा को महिलाएं सामूहिक तौर पर नहीं की, दो चार के समूह में ही महिलाओं द्वारा आसपास के वटवृक्ष तक पहुंचकर पूजा की गई। शुक्रवार को पूजा का मुहूर्त पूरे दिन भर होने के कारण महिलाएं अपनी सुविधा अनुसार वटवृक्ष की पूजा की। क्या नाम? गीता सोनी। ये पूजा क्या करने आए थे आप? ये वट सावित्री का पूजा करने आए थे। कितने सालों से मना रहे हैं? अब मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, तो 18 साल हो गया। दिन भर की गतिविधियाँ क्या रहती हैं? अब सुबह से निर्जला उपवास रहते हैं, पूजा के बाद शरबत पी के व्रत को तोड़ते हैं, उसके बाद 4-5 बजे अपना फलाहार लेते हैं। ये कोरोना की वजह से आप लोग की पूजा में कुछ? हाँ हाँ, पड़ा है। बहुत लोग अभी यहाँ नहीं आए हैं, अब बहुत लोग बहुत सुबह पूजा करके चले गए हैं। देश में इतनी महिलाएं पूजा करती है, ऊपर वाले सामान के हैं, कोरोना जल्दी भाग जाए। वो रोज करते हैं हम लोग रोज। क्या नाम है? अनीता पांडे। ये वट सावित्री पूजा जो है वो कैसे, किस वजह से मनाते हैं? वट सावित्री का पूजा हम लोग पति के दीर्घायु के लिए मनाते हैं। आप लोग का दिन भर का गतिविधि कैसे रहता है? हम लोग दिन भर निर्जला उपवास रहते हैं और दोपहर को फलाहार करते हैं। कितने सालों से मनाते हुए आ रहे हैं? 23 साल हो गए हम लोग को, जितना शादी हुआ तब से। अच्छा। पूजा की गतिविधि क्या क्या थाली में लेके आते हैं? हम लोग बर्रो बनाते हैं और कलश उलस और पूरा सब चावल फूल सब भी। पूजा करने के कितने समय बाद आप उपवास तोड़ती हैं? हम लोग दोपहर में। और वट वृक्ष की कितने बार? 108 बार किंदरते हैं। ASN 24 न्यूज़ के लिए रजगामार से अरुण जांगड़े की रिपोर्ट।